गाइज वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। तो आज है 7 सितंबर। तो अभी हम जस्ट अभी उठे हैं सोकर। आज हम प्लान कर रहे हैं मूवी के लिए जवान शाहरुख खान की। तो आज हम आपको दिखाएंगे काशीपुर और PVR, जहाँ पे हम आज मूवी देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। कुछ फ्रेंड्स लोगों ने टिकट बुक कर लिया है बिना बताए, और अब हम बस उठकर वहीं जाने की तैयारी करते हैं। फिर अब हम आपको दिखाएंगे काशीपुर का PVR मॉल, जहां हम देखेंगे आज जवान मूवी। गाइज यहां से हम अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हम देख सकते हैं हम एंटर कर चुके हैं काशीपुर के मेन बाज़ार में, और यहां आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आज सुबह का वक्त है और हम निकल चुके हैं PVR मूवी देखने जवान, जो कि हमारे दोस्तों द्वारा हमें इन्विटेशन मिला और उन्होंने हमसे बिना बताए ही टिकट बुक कर दिए। तो हमने सोचा क्यों ना अपने शहर का टूर कराया जाए आपको एक छोटा सा, और डिटेल में आपको बताया जाए। और आज मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर दो त्यौहार हैं, हिंदू और मुस्लिम भाई है दोनों का आज एक एक त्यौहार है। अगर हम हिंदू भाइयों की बात करें तो आज जन्माष्टमी है, देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा लोग तादाद में शॉपिंग कर रहे हैं जन्माष्टमी की। और अगर हम मुस्लिम भाइयों की बात करें तो यहाँ पर आज चेलम मनाए जा रहे हैं, चेलम के लिए भी लोग बाग कुछ ना कुछ ख़रीदारी करने के लिए मार्केट में हैं, इसलिए हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। इधर देख सकते हैं कान्हा के कपड़े और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ में आती हैं जन्माष्टमी में। और अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका इस समय वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जो बाज़ार है, ये हमारा मेन पुराना बाज़ार है काशीपुर का, बहुत ही प्राचीन। और इसमें आपको हर तरीके की पंसारी की दुकान, ज्वेलरी, सोने के आभूषणों की दुकान, और आपको कपड़े की दुकान, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी आपको। और आप देख सकते हैं साइड बाय साइड में आपको फ्रूट्स वगैरह के ठेले भी मिलते हैं, और सारी बनियों की दुकानें, सारी जनरल स्टोर, ये पूरी मेन मार्केट है। ऐसे ही हमारे काशीपुर में 3 मार्केट्स हैं अलग अलग रोड्स पे। ये आपकी पुरानी सब्ज़ी मंडी से लेकर के आपकी ये जाती है आपकी छतरी चौराहे तक, तो करीबन ये आधे किलोमीटर का बाज़ार है। और ऐसे ही हमारे 3 बाज़ार हैं काशीपुर के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड रहते हैं, क्योंकि आसपास से भी लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। देख सकते हैं आप हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी आपको, हर चीज़ मिलेगी आपको, घर के सामान से लेकर के खाने पीने की हाउस होल्ड थिंग्स हर चीज़ मिलेंगी आपको, रॉ मटेरियल वगैरह भी हर चीज़ मिलती है इस बाज़ार के अंदर आपको। तो देख सकते हैं आप हर चीज़ की दुकानें, बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है, और सब लोग यहाँ बहुत ही चैन और अमन से रहते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, बहुत ही शांति प्रिय शहर है हमारा काशीपुर। और अब मैं आपको थोड़ा सा काशीपुर के बारे में बता देता हूँ। काशीपुर बहुत ही प्राचीन शहर है, और अगर मैं आपको यहाँ की जनसंख्या के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर अप्रोक्स 1.5 लाख जनसंख्या है, 1.5 लाख के लोग करीबन यहाँ पर रहते हैं। और अगर मैं बताऊँ तो व्यापार के बारे में भी ये बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। यहाँ पहले बर्तनों का व्यापार वगैरह होता था, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही। और जनसंख्या की दृष्टि में अगर मैं बात करूँ तो काशीपुर कुमाऊँ में 3रा और उत्तराखंड में 6ठा सबसे बड़ा नगर है। ऊधम सिंह नगर जनपद में पश्चिमी भाग में स्थित ये नगर भारत की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 212 किलोमीटर है। और अगर मैं बताऊं देहरादून से, तो देहरादून से अप्रोक्स 200 किलोमीटर की दूरी पे हमारा काशीपुर है। तो ये काशीपुर का नाम काशीपुर क्यों पड़ा, तो एक चंदवंशी राजा देवी चंद के पदाधिकारी काशीनाथ अधिकारी के नाम पर पड़ा है ये। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये काशीपुर क्यों पड़ा है, तो अब हम आ चुके हैं, ये आपका डाकघर रोड है, ये डाकघर रोड पे हम आ चुके हैं। अब ये सीधे ही हम अब मॉल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारी मूवी बुकड है। चेक करते हैं इस रोड पे, ये देखिए यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं सारी शॉप्स के अंदर, सारी शॉप्स खुल चुकी हैं, भीड़ हर कहीं आपको दिखाई देगी। ये देखिए गोलगप्पे वगैरह, और यहाँ पर हर प्रकार की दुकानें, या सीनरी वगैरह, या फिर कपड़ों की, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ की शॉप्स अभी आपको देखने को मिलेंगी। कुछ शॉप्स बंद हैं क्योंकि अभी हम अर्ली मॉर्निंग में निकले हैं, 10-11 बजे के आसपास ही हैं हम यहाँ पर। देखिए फिर भी इसके मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज हम आ चुके हैं मॉल, अब देख सकते हैं सामने ही हमारे मॉल है, और यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ लगी हुई हैं, गदर 2 और जवान, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब हम एंट्री कर रहे हैं अपने PVR में,
ये चेक कर सकते हैं आप जवान, और अगर आप सामने वाली दीवार पर देखेंगे तो गदर 2 का पोस्टर है। ये हमारे कुछ भाई लोग, हमारे जानने वाले हमें मिल चुके हैं। अब इनसे हाथ वगैरह मिला के अब हम चलते हैं अंदर। लेट्स सी क्या क्राउड है, कैसा क्राउड है, कितने लोग हैं, वो सब हम आपको दिखाते हैं। हम एंट्री कर रहे हैं मॉल के अंदर, ये चेक कर सकते हैं आप। ये हमारा काशीपुर का मॉल है, यहाँ आप देख सकते हैं यह ब्यूटी पार्लर से लाइन से। अगर किसी को यहाँ पे सजना संवरना है तो यहाँ पे आ सकता है, शॉपिंग करनी है। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं सामने, आप देख सकते हैं विशाल मेगा मॉल। आप यहीं पे तैयार होकर यहीं पे शॉपिंग करके यहीं पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस मॉल के अंदर ही आप ख़रीदारी कर सकते हैं, आप ब्यूटी पार्लर जा सकते हैं, आप शूज़ वगैरह ले सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर उपलब्ध हैं। ये हम आ चुके हैं मॉल SRS, आप देख सकते हैं SRS सिनेमा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है आज। शाहरुख खान के फैंस की भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम एंट्री करते हुए आप देखिएगा, यहाँ पे पाजी सबकी चेकिंग कर रहे हैं, प्लस टिकट्स वगैरह चेक कर रहे हैं। चेकिंग के बाद हम लोग जाएंगे अब अंदर। देखिए ये मोबाइल से ही QR कोड स्कैन कर रहे हैं, किस किस ने बुक किया है ये देखिए। अब हम QR कोड स्कैन करवा के फिर हम अंदर एंटर देखेंगे करके कि कितना ज़्यादा क्राउड है, कौन कौन से पोस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं अपकमिंग मूवीज़ के। जैसे कि मैं सामने देख सकता हूँ, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, Tiger 3 का भी पोस्टर लगा हुआ है। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, जो कि काफ़ी लोग अभी बाहर भी हैं, काफ़ी अंदर हैं और कुछ लोग इधर उधर बैठे हैं। तो काशीपुर के हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी क्राउड है। शाहरुख खान के फैंस कभी भी शाहरुख खान को निराश नहीं करते हैं, कोई सी मूवी हो। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब यहाँ पर आ चुके हैं हम, आप देख सकते हैं अब हम भी थोड़ा सा शाहरुख खान के फैन बनने की एक्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए गगन किरण, ये शाहरुख खान का बहुत ही उम्दा सीन करते हुए चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे लोग शाहरुख खान की पोजिंग कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, आप देख सकते हैं बहुत ही फ़ैन फॉलोइंग है शाहरुख खान की। बहुत ही अच्छा लगता है इतने जब ज़्यादा लोग आते हैं तभी मूवीज़ वगैरह देखने में मज़ा आता है। ये चेक कीजिए, ये देखिए पोजिंग वगैरह शाहरुख खान की लगा रखे हैं यहाँ फ़ोटोज़, और सब लोग फ़ोटोज़ के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। शाहरुख खान ने जितने रोल किए हैं उन सारे रोल्स का यहाँ पर आप देख सकते हैं, डमी कह सकते हैं या फिर फ़ोटोज़ लगा रखे हैं। ये चेक कीजिए जवान, बहुत ही यूनिक लुक लेकर आए हैं शाहरुख खान इस बार, इसी वजह से लोग इनके देख सकते हैं। नीचे पोस्टर में भी आप 5 उनके अलग अलग किरदार दिख रहे हैं। अब इंतज़ार हुआ हमारा ख़त्म और अब हम जा रहे हैं जवान मूवी देखने के लिए अंदर। ये देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है, आप यकीन नहीं करेंगे, शायद आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए अपकमिंग मूवी Tiger 3 का भी पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, चेक कर सकते हैं लोग, सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ रहता है शाहरुख खान का, बहुत ही हाउसफुल चल रहा है, हाउसफुल बोल सकते हैं आप। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीट खाली होगी अंदर। देखिए शाहरुख खान के फैंस कभी भी शाहरुख खान को मायूस नहीं कर सकते, और ना ही करते हैं ना ही शायद करेंगे, क्योंकि उनकी सारी ही फिल्में हाउसफुल जाती हैं ऑलमोस्ट। ये चेक कीजिए कितना, अभी तो एंट्री हुई है फिर भी काफ़ी लोग जा चुके हैं और काफ़ी लोग अभी अंदर आ रहे हैं। ये देखिए मूवी शुरू हो चुकी है, नंबरिंग आ चुकी है, लोग अभी भी आने पर हैं, आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अभी लोग बाहर हैं जो कि अभी एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्राउड आपको देखने को मिलेगा जवान मूवी में, और बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। अभी तक जिन लोगों से बात हुई है वो सब लोग बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ हैं।
ये देखिए क्राउड की आवाज़ आप सुन सकते हैं। देख सकते हैं फैंस, पूरा का पूरा बहुत ही अच्छी मूवी है। आप देख सकते हैं इसको, मुझे तो लग रहा है कि आप बार बार देखेंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती के साथ एक एक सीन शॉट किया गया है। शाहरुख ने बहुत ही उम्दा एक्टिंग